सरकार से भी कई बार ये निर्देश मिले हैं और स्थानीय स्तर पर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कार्रवाइयाँ हों जिसके माध्यम से ये चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकें। इसी तारतम्य में अवैध हथियारों के विषय में थाना अडेर पुलिस को एक सूचना मिली थी, जिसको जब उन्होंने अपना डेवलप किया तो उनको जानकारी लगी कि कुछ लोग जो हैं वो डकैती की योजना बनाने के उद्देश्य से इकट्ठे हुए थे। प्रतापपुरा थाना अडेर का एक स्थान है प्रतापपुरा, वहाँ पर जो एक खाली पड़ा हुआ रेस्ट हाउस था उसके पास वो अवैध हथियारों के साथ इकट्ठे हुए थे। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने जो थाना अडेर का बल था SDOP अडेर के निर्देशन में और उसके साथ साथ थाना पावई और थाना सुरपुरा यहाँ के प्रभारी अधिकारी अपने अपने बल के साथ इकट्ठे हुए। जब तक वो वहाँ मौके पर पहुँचते तब तक वो लोग वहाँ से मूव कर रहे थे और वो गाड़ी में एक सिल्वर कलर की स्विफ्ट गाड़ी थी जिसमें बैठकर वो तोरकापुरा के पास एक पुरानी बिल्डिंग में पहुँच गए, जहाँ पहुँचकर पुलिस की टीम ने उनको घेरा और उनको पकड़ा। तो उसमें पाँच में से करीब चार लोगों को पकड़ने में पुलिस सफल हुई, लेकिन एक व्यक्ति जो है वो मौके से फरार हो गया। इन चारों की जब तलाशी ली गई, गाड़ी की तलाशी ली गई, तो इनके पास से पुलिस को एक 306 बोर की राइफल जो देसी हाथ की बनी हुई थी, उसके साथ साथ एक बंदूक 315 बोर की देसी, एक अधिया 315 बोर का और एक कट्टा 315 बोर का, ये उनसे जब्त हुआ। इसके साथ साथ तीन जिंदा राउंड 306 बोर के और करीब सात जिंदा राउंड 315 बोर के, ये पुलिस उनसे जब्त करने में सफल रही। इनमें इसमें यहाँ ये उल्लेखनीय है कि इन चार में से एक व्यक्ति जो जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो वहाँ का जमसारा जो ग्राम पंचायत है वहाँ का सरपंच पद का जो है वो प्रत्याशी है, और इनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये हथियार वगैरह और इन्होंने इनको इकट्ठा किया था, वो चुनाव से पहले दहशत फैलाने के उद्देश्य से इनको इकट्ठा किया था और चुनाव के दिन भी इनके माध्यम से गड़बड़ करने के फिराक में ये लोग थे। तो इसको देखते हुए पुलिस ने इन पर कार्रवाई की है और इनको रिमांड पर लेकर इनको जेल भेज दिया गया है, और इनसे इनके आपराधिक रिकॉर्ड के विषय में तथा कहाँ से ये हथियार इनके पास आए हैं उसके विषय में भी पुलिस जाँच कर रही है।